Hallelujah, Pakistan. Hallelujah, Korea. Hallelujah. Pakistan Jindaba. Hallelujah. Amoni Miss Abiya Isoyo. Pakistan. 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 Janjan Pakistan. Dildil Pakistan. Dildil Pakistan. Dildil Pakistan. Hallelujah, Pakistan. Hallelujah. Muksanim, convention team daddy. Ready? Okay. I don't know. Please ask. I am ready. Okay. Please check. There is speaker under your speaker. Next is speaker. Even under here. Max 스피커 오픈. Hello. Hey, Muksanim. Kindly, यहाँ पर जो पाकिस्तानी है इन्होंने जिन्होंने आज मीटिंग का अरेंज की है आप में से कौन है भाई शरून शरून बटिया या वीवो फोन ये वाले Open. Sharon? Yeah, Sharon. Okay, okay. Sharon okay. Name Uksan. Sharon Bhatti bhai, aapko baaz aa rahi hai hamari? Bhai Sharon Bhatti, aapko baaz aa rahi hai? Can you hear? Speaker. Mic. Mic off. Bhai Sharon, aapka mic off hai. अनम्यूट करके बात करें म्यूट है आपकी तरफ से काइंडली जरा कैमरा ऑन कर ले भाई शरून बटी ओके ओके या भाई शरून आपको आवाज आ रही है तो बता दें आप तैयार हैं उन्होंने फिर मैसेज स्टार्ट करना है सॉरी अंदर यो भाई शरून आर यू रेडी जी भाई साहब हम रेडी हैं तो सर अपना काइंडली जरा ना अपना कैमरा ऑन कर लें फिर हम दुआ के साथ ही हम शुरू करते हैं उन्होंने दुआ दुआ के बाद शुरू करना है वो पूछ रहे हैं जी ठीक है तो आप रेडी हैं तर्जमा कौन करेगा आप करेंगे भाई शरून बट्टी वाले माइक से करेंगे अच्छा आपने काम करें आपने ना अमेरिका से दो मोबाइल ऑन किए हैं एक मोबाइल की ना आवाज को कम कर दें इस तरह ना डिस्टर्बेंस आपकी नहीं होगी जी इसकी मैंने बंद कर दिया जिससे आप ना जो शरून बट्टी वाला माइक है ना शरून बट्टी वाला जो फोन है उसमें से आप वॉइस को ना कम कर दें वीवो वाला ऑन रखें ठीक है जी ठीक है थैंक यू शुक्रिया मुक्सा नीम शरून बट्टी रेडी खिदो ओके खिदो सुंदर 사회생활 보지 않았니 아버지요 이 시간 진리의 성령 역사하여 주셔서 예수 그리스도를 나의 주 나의 하나님으로 고백하는 역사 있게 하시고 예수 그리스도가 깨달아지고 믿어지고 나의 하나님을 고백하는 강력한 역사가 있게 도와주셔서 하나님 나라가 일어나게 하소서 귀신이 있다고 어둠이 있다고 하고 하나님의 왕국이 심령 그 자리 가운데 임하게 하옵소서 주 예수 이름 받도록 기도합니다 아멘 할렐루야 Hallelujah, yeah, nice to meet you. I am Pastor Yang Songmin from Korea. Okay? Yeah, okay. I sincerely welcome you in the name of Lord Jesus. Okay.
ओके टुडे आई ओके टुडे आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ रिसीविंग द पावर टू बिकम चालोगा आई बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट आज हम कलाम से कलाम के बारे में If you believe in Jesus Christ, we will be liberated from hell and the devil. Okay, next part. Hallelujah. Ready? Yes, sir. You are ready? Yes, yes, I am ready. Ready. Continue. Ready? Yeah, 다시 하게, again. Today, I will tell you the secret of receiving the power of becoming a child of God by believing in Jesus Christ. If you believe in Jesus Christ, we will be liberated from hell and the devil. और अगर आप खुदावंत यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं, खुदावंत यीशु मसीह की बात पर ईमान रखते हैं, तो आप जिंदगी में उत्साही की आ जाते हैं। If you believe in Jesus Christ, we will be free from sin and curse. और अगर आप खुदावंत यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो आप खुदावंत यीशु मसीह की तमाम बरकत को हासिल करते हैं। If you believe in Jesus Christ, we receive the power to become child of God. भाई शरून आपकी तरफ से ना माइक की सेटिंग नहीं है, प्लीज जरा माइक की सेटिंग कर ले, इनकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ये किसी ने पीछे लगाया, भाई शरून अगर कोई मसला ना हो तो अगर तर्जमा करने में मसला है, साउंड का मसला है, मेरी आवाज ठीक आ रही है तो मैं बता दें, हम तर्जमा कर लेते हैं। अगर आप फोन पे कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, थैंक यू मुक्सानी, आई विल इंटरप्रेट बिकॉज साउंड माइक प्रॉब्लम। मुक्सानी नेक्स्ट पर विल बी इंटरप्रेट। ओके कंटिन्यू, आप अपना म्यूट करते जरा माइक, सारे माइक। मुक्सानी कंटिन्यू। ओके Yes. Okay. This helps us. Okay. Yes. Okay. Sound problem. Yeah. Okay. So again. Yes, Today I will tell you the secret of receiving the power to become child of God by believing in Jesus Christ. आज मैं ईमान रखता हूँ कि आज मैं आपको उस ताकत के राज को हासिल करने के बारे में बताऊंगा जिससे आप खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। If you believe in Jesus Christ, we will be liberated from hell and the devil. देखें, अगर आप ईमान रखते हैं तो आप खुदा की बादशाहत में जा सकते हैं। मुक्सानी जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू मोबाइल टेलीफोन, जस्ट वेट।
If you believe in Jesus Christ, we will be free from sin and curse. Now, Muksanim, okay? Okay? Now, okay. Ready? Yes, ready. Ready? Okay, this way. Yes, Muksanim, now okay. There you are. Again. Today, I will tell you the secret of receiving the power of become child of God by believing in Jesus Christ. मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप के फर्जंद बनने के बारे में इस ताकत के बारे में सीखेंगे मेरा ईमान है. If you believe in Jesus Christ, we will be liberated from hell and the devil. देखें अगर आप आज ईमान रखते हैं तो आप उस अख्तियार को हासिल करेंगे कि आप आसमान की बादशाही में जा सके और इस राज को आप आसमान की बादशाही में Christ, we will be free from sin and curse. और देखिए अगर आप आज ईमान रखेंगे तो आप उस लानत से और अबलीसी हथकंडों से आप आजादी हासिल करेंगे. If you believe in Jesus Christ, we receive the power to become child of God. अगर आप आज यकीन रखेंगे तो आप इस अख्तियार को हासिल करेंगे कि आप खुदा के बेटी और बेटा यानी खुदा के फर्जंद बन सकेंगे. So then, who must I believe in Jesus Christ to become child of God? इसलिए हमें खुदा के फर्जंद बनने के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना बेहद जरूरी है. आमीन. Will you become child of God if you believe in Jesus as a creator prophet? देखें अगर आप यीशु मसीह को खुदाए खालक मानते हैं देन आप खुदा के फर्जंद बन सकते हैं. Will you become child of God if you believe in Jesus as a creator, leader who should love? देखिए अगर आप यीशु मसीह को खुदा खालक मानते हैं तो आप खुदा के फर्जंद बन जाएंगे. You cannot become child of God if you only believe in Jesus Christ as a prophet, a great good teacher or a person. देखें अगर आप यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी एक पैगंबर खुदा का भेजा हुआ यानी बंदा या एक शख्स मानते हैं तब आप खुदा के फर्जंद नहीं बन सकते. So then, should you believe in Jesus Christ to become child of God? इसलिए आपको खुदा का फर्जंद बनने के लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए. Open Bible, John chapter 1, verse 10, 11, 12, read it. आए हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे. John chapter 1, verse 10, 11, 12, read it. आप में से कोई हवाला निकाल दे योहन्ना की झील उसका पहला बाप और उसकी 10:11-12 आए तो आप अपना माइक ऑन करके यह हवाला पढ़ सकते हैं. अच्छा भाई शरून जितने हवाले ये बताएंगे ना काइंडली आपने हवाले निकाल के माइक ऑन करके आपने पढ़ने हैं ताकि कलीसिया को समझ आए. ठीक है माइक ऑन कर ले भाई शुरू.
जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। हवाला बता दीजिएगा। योहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 10 से लेकर 12 आयत तक, 10, 11 और 12 तीन आयतें हैं। मैं हम कलाम में 10 में से खुदा के बाब नाम को पढ़े। योहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 10 से 11 में है। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के मर्ज़ बनने का हक बख्शा। मेरी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन 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 आमीन। अब जो संतों들이 잘 안 보이네. 형, 최초원, 벌써 10세, 내 주저스 이제 까짝클레이러. देखिए योहन्ना की अंजील की 10 आयत, पहले बाब की 10 आयत जो है वो बयान करती है कि यीशु मसीह खुदा खालक है, वो है जिसने चीजों को तकलीफ किया है, जिसके वसीला से चीजें पैदा हुई हैं। However, it is said that the people of the world did not recognize Jesus as God the Creator. ताहम देखे योहन्ना ये भी कहता है कि दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, उसे खुदा का यानी जो खुदा खालक है वो कबूल नहीं किया। John chapter 1 verse 11 says that even the Jews who claimed to believe in God did not recognize Jesus as the Creator God and did not accept Jesus as the Creator God. देखे ये हवाला ये भी बताता है कि जो यहूदी थे उसके अपने थे, अपनों ने कबूल नहीं किया, यहूदियों ने भी यीशु मसीह को खुदा तस्लीम नहीं किया। लेकिन ताहम 12वीं आयत ये कहती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी जो यीशु को खुदा मान लेता है, खालक मान लेता है, यानी यीशु के जरिए से सब चीजें पैदा हुई है ये मान लेता है, वो शख्स खुदा का बेटी और बेटा यानी फर्जंद बन जाता है। आमीन। तो जो दिस मीन दैट इफ यू एक्सेप्ट जीसस एज द पर्सन यू विल बिकम चलोगा। इसका मतलब है कि जब आप यीशु मसीह को एक पर्सन मानते हैं तो क्या आप खुदा के फर्जंद बन सकते हैं? बताएं, जो शख्स यीशु को सिर्फ एक शख्स मानता है क्या वो फर्जंद बन सकता है? नो। दैट्स व्हाई इट मीन दैट एनीवन हु रियलाइज जीसस क्राइस्ट एज गॉड द क्रिएटर एंड एक्सेप्ट हिम एज गॉड द क्रिएटर बिकम चाइल्ड ऑफ गॉड। हम देखें जो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को खुदा का बेटा और खुदा खालक तस्लीम किया है, सिर्फ वही लोग जो हैं वो खुदा के फर्जंद बनने का हक रखते हैं, और उन्हीं को खुदा ने यीशु ने हक दिया है कि वो खुदा का फर्जंद बने। तो पीपल ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज जीसस एज गॉड द क्रिएटर एंड इवन द ज्यूस डिड नॉट रिकॉग्नाइज जीसस एज गॉड द क्रिएटर एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिम बट ही सेड दैट Those who realize Jesus Christ as the God Creator and accept Jesus as the God Creator become child of God. दुनिया के लोगों ने यीशु को खुदा तस्लीम नहीं किया, इवन के यहूदियों ने भी यीशु को खुदा तस्लीम नहीं किया, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जितनों ने उसे खुदा तस्लीम किया, खुदा खालक माना, उसने उन्हें यानी यीशु मसीह ने उनको खुदा के फर्जंद बना दिया। Therefore, the truth that Jesus Christ is the Creator God is the only truth for become child of God. इसलिए वह सच्चाई यही है कि यीशु मसीह खुदा खालक है, और एक सच्चाई ये भी है कि जो यीशु मसीह को खुदा खालक मानता है वो खुदा का फर्जंद बन जाता है। Then how can you realize and believe in Jesus Christ as God? देखिए आप कैसे यीशु मसीह को खुदा खालक मान सकते हैं? तो जो through the meaning of God, we can realize and
believe in the spirit, Jesus Christ is God. देखिए जब आप खुदा के नाम को जान जाते हैं तब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं कि यीशु कौन है आप जान जाते हैं। ओपन बाइबल जॉन चैप्टर 20 वर्स 27 टू 29 रीड इट। जॉन चैप्टर 20 यूहन्ना 20 बाब 27-29 योहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 27-29 आयत को देखेंगे। आवाज आ रही है पास बाब जी जी आवाज आ रही है। योहन्ना 20 उसकी 27-28 आयत को पढ़ेंगे। ओके। फिर उसने तुमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइतकाद ना हो बल्कि इतकाद रख। तुमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावन ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझको देख कर ईमान लाया है मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। अच्छा भाई सब माइक ठीक हो गया अभी अगर आप कहते हैं तो मैं खुद कर लेता हूँ ट्रांसलेट। देख ले अगर कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। जी जी जरूर हम कर लेते हैं कोई इशू नहीं। ओके मुक्सा नेम शरून कंटिन्यू इंटरप्रिटेशन। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर थैंक यू सो मच। थॉमस confesses to the resurrected Jesus, my Lord, my God. तुम्हारा जो जी उठा शख्स है उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने इकरार किया कि ऐ मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा। When Thomas confesses to Jesus, my God, Jesus said, "Blessed are those who have not seen and have believed." और मेरे अजीजों जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो हमें बरकत बना देता है और जो लोग उसे बाकी खुदा मानते हैं वो बरकत पाते हैं। तो जो हो बिलीव इन जीसस एज इट आर ट्रूली ब्लेस्ड बाय गॉड। और बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक हम जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते एकदस पर यकीन और ईमान रखते हैं तो वो हमें अपने फर्जंद बना लेता है। आमीन। Because if you believe in Jesus Christ as Creator, you will receive authority to become child of God. और जब हम उसके कलाम पर गौर करते हैं उसकी बातों पर यकीन रखते हैं और उस पर ईमान ले आते हैं तो हम वाकई में ही उसके फर्जंद बन जाते हैं। Amen. If you become child of God, you will be free from the devil and curse. और मेरे अजीजों हम जब ये जान लेते हैं कि हम खुदावंद के फर्जंद हैं और हम ये भी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी खुदा है। If you become child of God, you will be freed from sin and hell. और मेरे अजीजों अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात एकदस पर यकीन रखते हैं और उसको जानते हैं और उसके उसकी ज़ात का इकरार करते हैं तो यकीनन आप अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की उसी तरह से बरकत हासिल करते हैं जिस तरह से तुमा करता है। If you believe, child of God, you will receive answer prayer. और जब आप खुदावंद यीशु मसीह वो जो हमारी खातिर मसलूब हुआ है उसके जी उठने को देखते हैं जिस तरह से तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने मसीह को अपनी जिंदगी में देखा और महसूस किया। Amen. I bless you in the name of Jesus Christ that today will be the day of blessing in which you will gain the authority to become child of God. I
realizing that Jesus Christ is God. और मेरे अजीजों हम कलामी अकदस में से खुदावंद यीशु मसीह को और लोगों के ख्यालात को देखते हैं. आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मरकर जिंदा हो गए हैं लेकिन कोई भी उनको खुदा तस्लीम नहीं करता. और मेरे अजीजों दूमा रसूल ने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी खुदा है. Most of people believe that Thomas came to believe in Jesus as God because he saw Jesus rise from the dead. और जब हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि उसका इकरार करते हैं कि वो खुदा है तो हमारी जिंदगी में अपने बड़े काम को करना शुरू कर देता है. Do you think that Thomas came to believe in Jesus as God because he saw him rise from the dead? और मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें यह सिखाता है कि थॉमस जी उठे खुदावंद यीशु मसीह को देखता है और खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है कि वो खुदा का बेटा मसीह है. Even today, there are some people who are said to have died and come back for life. One believer in him is God. अब हम त्वचा को मजबूत करेंगे क्योंकि आप भी धूमा की तरह हम भी सुबह देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई में ही खुदा है. Do any of you believe that Lazarus is God? और जब आप में से कोई भी शख्स खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक्तस का यकीन करता है और वो इकरार करता है तो वो तोमा की तरह खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जात में अपने बदन में अपने सामने देखता और पाता है और यकीन करता है. Of course, because Thomas saw the resurrected Jesus, he must have played a part and helped Thomas realize the secret that Jesus Christ is God. और मेरे अजीजों जब आप अपनी जिंदगी में यकीन रखते हैं अपनी जिंदगी में ईमान रखते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी में वो बरकतें पाते हैं जिनका आज कलाम में हम जिक्र करेंगे. However, Thomas seeing the resurrected Jesus was not the decisive factor in Thomas' realization of the secret that Jesus Christ is God. और जब हम इस बात का यकीनी तौर पर इजहार करते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ एक शख्स है बल्कि वो हकीकी खुदा है. How did Thomas come to realize that Jesus is the Creator God? और आज हम इस बात को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है. वो ना सिर्फ इंसान है ना बल्कि भाई शरुण और वो सारी चीजों को तस्लीम करने वाला है. भाई शरुण ये थॉमा की बात कर रहे हैं कि थॉमा ने कैसे रियलाइज किया था कि यीशु खुदा है. ध्यान ध्यान से सुने आगे जो ये पढ़ाने लगे हैं ना बहुत अहम चीजें हैं. फाइनली गौर से सुने. नाउ फोकस बिकॉज यू टू लाइक थॉमस विल सी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड. और मेरे अजीजों हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से थॉमा रसूल के उस बयान को उस सारी चीजों को उन तमाम कीलों के निशानों को और सारी चीजों को जो हम सीखने वाले हैं जरा ध्यान से सुनेंगे. तो रेजरेक्टेड जीसस सो द थॉमस हिज हैंड विद द नेल मार्क्स एंड सेड टू हिम लुक इन माय हैंड्स एंड डू नॉट be unbelieving, but believe.
میرے ابھی تو اپنے ہاتھوں کے کیڑوں کے نشان دکھائے اور کہا میرے ہاتھوں کو دیکھو اور یقین کرو. Jesus said to Thomas, look at the nail marks in my hand and believe. اور یسوع مسیح تھوماس سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیڑوں کے نشانوں کو دیکھو اور میرے ہاتھوں کو دیکھو یقین کرو. For a moment, Thomas see Jesus' hand with nail marks. Thomas realized to secret that Jesus is God. And Thomas confess to Jesus, my God. اور جس لمحے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ توبہ نے یسوع کے ہاتھوں میں کیڑوں کے نشانوں کو دیکھا تو اس نے یہوہا کا نام دیکھا جس کا مطلب ہے ہاتھ دیکھو اور کیڑ دیکھو. Thomas did not realize the secret that Jesus is God. By seeing the resurrected figures of Jesus, Thomas realized the secret that Jesus Christ is God by seeing the nail marks on the Jesus' hands. اور میرے عزیز تو یہ الفاظ جن کے بارے میں ابھی ہم سیکھنے والے ہیں یہ آگے آنے والے چار الفاظ ہوں گے جن کے بارے میں ہم بڑی ترتیب سے بڑے دھیان سے سنیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کو دیکھو اور کیڑوں کے نشانوں کو دیکھو آخر میں اس کا مطلب کیا ہے, آخر اس کا سارا مقصد کیا ہے. That there is a decided evident that Jesus Christ is God. اور میرے عزیزو ہم کلام اقدس میں سے جو پڑھتے ہیں جن آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں جو کیل لگائے تھے اور جب خداوند یسوع مسیح نے بھی توما سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو دیکھو اور کیلوں کے نشانوں کو دیکھو تو یعنی ہاتھ اور ہے یعنی دیکھنا, واؤ یعنی کیل اور ہے یعنی دیکھنا, یعنی میرے ہاتھوں میں کیلوں کے نشانوں کو دیکھو. اور جب خداوند یسوع مسیح سے یہ بات کہتے ہیں تو پھر وہ How did Thomas come to realize that Jesus is God after seeing Jesus' hand with nail marks? اور تومن اس بات کا اپنے اندر احساس دیکھتا ہے, وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح واقعی ہی خدا ہے, وہ اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے. Because Thomas saw the name of God, Jehovah, in Jesus' hand where the nail marks were. اور میرے ابھی تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح انقلاب میں اور خدا کے پاس اس بے عیب کلام میں جس میں ہم سیکھتے ہیں جس کے بارے میں آج ہم یہاں پہ جمع ہیں لکھا ہوا ہے اس کا نام یہوہا بھی ہے. بھائی تھوما نے یسوع کے ہاتھوں کے کیلوں کیلوں کے نشان کے ہاتھوں میں یہوہا نام کو دیکھا, یعنی یہ بتائیں. Because the meaning of the name Jehovah is look at the hand, look at the name. کیونکہ یہوہا نام کا مطلب یہی ہے ہاتھ دیکھو اور کیل دیکھو. Jesus Christ showed Thomas his hand with nail marks and said, look at my hand and believe. The moment Thomas saw Jesus' hands with nail marks, he saw the name Jehovah, which means look at the hand, look at the name. اور جب یسوع مسیح نے توبہ کو اپنے ہاتھ دکھائے اس نے کہا یہ ہاتھوں کو دیکھو, ان نشانوں کو دیکھو, اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے میرے ہاتھوں کو دیکھو اور یقین کرو. The name Jehovah is made up of four Hebrew alphabet Yud-Heh-Vav-Heh. اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں سے جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے ان کے بارے میں ہم ذرا سیکھیں گے. عبرانی کے چار حروف رکھے ہیں جو یود ہے, واؤ اور ہے ہیں.
오케이. 이시 시몬이요. 알파벳 해즈 미닝. 아쇼가만 해 나. 어? 더 알파벳 오브 제호바. 유드 세임. 유드 세임. 유드 니즈 핸. 유드 니즈 핸. और एक और वजह यह भी थी कि यीशु ने बारहा अपने शागिर्दों से
آخری فتح کی رات میں یہ کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں, اور یہ رات ضرور بتایا تھا. Open Bible, John chapter 14, verse 14, read it. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل 14 باب کی 14 آیت. یوحنا کی انجیل 14 باب کی 14 آیت کو کلام میں یہ لکھا ہے, اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. آمین. آمین. Jesus said, if you pray to me for anything, I will answer you. ہمیں آج یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں صرف یسوع مسیح سے دعا کرنی ہے. اور ہماری دعاؤں کا مقصد صرف خداوند یسوع مسیح ہو. Jesus said, if you pray to me, I will answer you. اور خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں اس کا جواب دوں گا. The meaning of this word is that Jesus is the God who redeems prayers. اس آیت کا یا اس لفظ کا یہ مفہوم ہوتا ہے, یہ مطلب نکلتا ہے کہ یسوع وہ خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. آمین. آمین. And Jesus said, if I pray for anything, I will respond. اور خدا کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر تم چیز مانگو گے تو میں تمہاری دعا تمہاری فریاد کو ضرور سنوں گا. God is the only one who can respond to anything. اور میرے عزیزوں, ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا صرف ایک واحد خدا ہے, ہم سب کی دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے, تو ہم سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. Jesus says, pray me for anything and I will respond. اور یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گے تو میں اس کا جواب دوں گا, اگر تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا سنوں گا. The meaning of this word is that Jesus is God who can anywhere, any prayer. اور اس لفظ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کوئی خدا سے دعا کرتا ہے, خدا خدا ہی وہ واحد سال ہے جو اس کی دعا کا جواب دے سکتا ہے. آمین. آمین. Open Bible, John chapter 14, verse 1, read it. اور ہم کلام اقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت دوبارہ سے پڑھیں گے. لکھا ہے, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. آمین. آمین. Jesus said to his disciples who believe in God as the only God, believe in God, believe also in me. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے جو کو خدا مانتے تھے کہا, خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو. The meaning of believe in me as you believe in the God you believe in is I am saying that you believe in. اور مجھ پر ایمان لاؤ جیسا کہ تم اس خدا پر یقین اور ایمان رکھتے ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آمین. The only object of his you must believe in is God. اور ہماری دعاؤں کا یا ہمارے ایمان کا مقصد جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے وہ خدا ہے. However, Jesus said, believe in me just as you believe in God. اور میرے دلوں کو خدا پر یسوع مسیح نے کہا, مجھ پر اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تم خدا پر ایمان لاتے ہو. This means
Jesus is the same God in whom you believe. और खुदावंत के पुत्र ने कहा कि उसी तरह पर मैं खुद पर भी ईमान रखता हूँ जिस तरह से खुदा पर ईमान रखते हो. So that's why Jesus said, "He who has seen me has seen God." इसलिए यीशु मसीह ने ये कहा कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा. John, open Bible, John chapter 14, verse 7, read it. आइए अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और कलाम एक दूसरे शुरू की वल्ला 14वें बाब की 7वीं पंक्ति में लिखा है, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है. आमीन. आमीन. हालेलुया. Therefore, through his heavenly son, Jesus Christ clearly told his disciples, I am the God in whom you believe, and I am the God to whom you pray. चुनाचे यीशु मसीह ने भी अपनी आखिरी फसा के मौके पर अपनी खुदे के मौके पर अपने शागिर्दों से साफ तौर पर ये कहा था कि मैं वही खुदा हूँ जिस पर तुम यकीन करते हो, जिस पर तुम ईमान रखते हो, और मैं वो खुदा हूँ जिससे तुम दुआ करते हो. Now, those who have realized that Jesus is God, who must believe in, say, Amen. अब जो लोग आप यीशु मसीह को जान गए हैं, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को जान लिया है, जिस पर हमें ईमान रखना चाहिए, वो सब कहें आमीन. आमीन. हालेलुया. Because Jesus is the great God, Jesus says, I existed before the creation of the world. और खुदा यीशु मसीह खालिक खुदा है. यीशु कहता है कि जिसने 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 Open Bible, John chapter 17, verse 5. Ready? आइए कलाम एक दूसरे से जोड़ते हैं कि जीसस सत्रहवें बाब की पांचवीं आयत पढ़ते हैं. लिखा है, और अब ऐ बाप उस जलाल से जो मैं दुनिया की खुदाई से बेहतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले. आमीन. Amen. In John chapter 17, verse 5, Jesus is clear saying that he has been which is cannot the Father before the creation foundation of the world. मेरे अभी तो कलाम में एक तस्वीर को आयत तलाश की गई है. खाना सदमे बात की पास में आए इसमें बातें तौर पर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो दुनिया की बुनियाद से बेशतर बाप के साथ मौजूद थे. Therefore, Jesus Christ is God who exists before the creation of the world. और मेरे अभी तो एक बात से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह It is known any long that Thomas confessed that Jesus Christ was my God. और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि तुम्हारे तलाश लिया कि ऐ मेरे खुदा लिया ऐ मेरे खुदा. On the last night, Jesus Christ literally told his disciples, "I am God." और मेरे अभी वो अगर आपको याद हो आपकी पता बहुत क्या लिखा है आखिरी बच्चा की याद जब ने आपसे ये कहा था कि मैं खुदा हूँ. Open Bible, John chapter 14, verses 18-19. और कलाम एक दसवीं से हम अपनी बाइबल पर इसको खोलेंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना 13 बाब की 18वीं और 19वीं आयत, जिसमें यूं लिखा हुआ है, मैं तुम सबकी बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये निश्चय पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात दिखाई. अब मैं उसके होने से ऐसे तुमको जताए देता हूँ ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ. अभी Ego Amy,
19 آیت میں نیا حکلا اصل زبانی مطلب ایمو ایگو ایمی ہے اوکے ایگو ایمی اسے تو نئی پوگو تھا اور ایگو ایمی خدا کا نام ہے That is the meaning of ego aimi is God. और मेरे अभी तो ego aimi जो है वो खुदाउंड खुदा का नाम है जो तीसरे बात की चौथी आयत में भी मौजूद है. Therefore, when Jesus Christ said in verse 19, I am ego aimi, he was saying, I am God. لہذا جب یسوع مسیح نے یوحنا تیرے بعد کی 19 آیت میں یہ کہا کہ میں ایگو ایمی ہوں تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں. اوپن بائبل جان چیپٹر 18 ورس 5 6 دیدی آئیے کلام اقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 5ویں اور 6ویں آیت کو ہم سنیں گے. آپ کے سامنے میں تلاوت کیے دیتا ہوں. لکھا ہے انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری. یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا کروانے والا جو ہوتا بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا اسی یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. آمین آمین. In verse 5, Jesus said to the Roman soldier who came to arrest him, I am he. और पांचवी आयत में उन्होंने सिपाहियों से कहता है जो उसे गिरफ्तार करने आए हैं कि मैं ही वही हूं. In verse 5, the original Greek text of the Bible, I am he, is an ego aimi which refers to God's name. और मेरे अजीजों पांचवी आयत का असल जबानी मतलब جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ہوں یعنی ایگو ایمی ہے جس سے مراد خدا کا نام ہے. In Exodus chapter 3 verse 14, ego eimi is the name of God that God first revealed to Moses. اور میرے عزیزوں خروج تیسرے باب کی 14 آیت میں ایگو ایمی یعنی خدا کا نام جو لیا گیا ہے وہ سب سے پہلے موسیٰ پر ظاہر کیا گیا ہے. That is the meaning of ego aimi is God. Yani ego aimi ka matlab kya hai? Ego aimi ka matlab hai Khuda. Therefore, in John chapter 18, verse 5, when Jesus declared to the Roman soldier who had come to arrest him, I am ego aimi, he was clearly, I am God. اور میرے عزیزوں جب ہم یوحنا 18 باب کی 5 آیت کو پڑھتے ہیں اس میں جب رومی سپاہی خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہی ایگو ایمی ہوں تو وہ دراصل یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں. When Jesus declared ego aimi, those who had come to arrest him were dragged away and اور یسوع نے جیسے ہی یہ اعلان کیا کہ میں ہی ایگو ایمی ہوں میں ہی خدا ہوں تو جو لوگ اسے گرفتار کرنے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور زمین پر گر پڑے. The disciple must have remembered his instant to build a strong impression. اور میرے عزیزوں یقیناً جو شاگرد تھے ان پر یہ واقعہ بڑا اثر انداز ہوا ہوگا. Jesus was taken before the high priest by the Roman soldiers, and Jesus Christ declared again before the high priest, I am ego eimi. یسوع جب رومی سپاہیوں کے سامنے ہے تو رومی سپاہیوں کے ذریعے سے سردار کا ان کے پاس لے جایا جاتا ہے یسوع کو. تو پھر لکھا ہوا ہے کلام اقدس کی روشنی میں کہ یسوع نے ایک بار پھر سے ان کے سردار کہن کے سامنے بھی یہ اعلان کر دیا کہ میں ہی ایگو ایمی یعنی میں ہی خدا ہوں.
오토바이를 마크 차트 허팅 버스 62, 64mm. मरकज के अधीन शोध में बात की बात सिर्फ इस आयत से 64 आयत क्या करता था पढ़ेंगे लिखा है यीशु ने कहा मैं हूँ और तुम एक नया तुमको काल पुत्र की दाहिनी की तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार साहब ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा अब हमें गवाहों की क्या हाजिर कही, तुमने ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवे दिए कि वो लाइक नजर के लाइक है। आमीन आमीन। In verse 62, the original Greek text for Jesus, I am, is ego eimi, which means I am who I am. अबे अभी तो बाकी भी आए थे। पुराना शब्द उसी जब कहते हैं कि मैं हूँ, इसका असल मतलब यही है, इसका असल यूनानी मतलब यही है कि ego eimi यानी मैं हूँ, जिसका मतलब वो खुद कह रहा है कि मैं ही वो खुदा हूँ। The high priest knew very well that ego eimi was the name of God and that ego eimi means God. अच्छा सरदार क्या है इस बात को सुनता है तो अच्छी तरह जानता है कि ego eimi खुदा का नाम है और ego eimi का मतलब भी खुदा ही है। So when Jesus Christ said, I am ego eimi, the high priest immediately knew that Jesus was claiming, I am God. और मेरे अजीजों जैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं ego eimi हूँ तो सरदार का हमको कारण मालूम हो गया कि यीशु अपने आप में खुदा होने का दावा कर रहा है। So the high priest said that Jesus was speaking blasphemy, and the high priest tore his clothes and said that he deserved death penalty. और मेरे अंदर हमें कलाम के दस में से ये बात पता चलती है कि जब सरदार कहने ये बात सुनता है, कलाम ये सुनती है, बात सुनता है, वो कहता है कि इस शख्स के लिए यीशु ने बड़े तोहिन अभेद अल्फाज खोल रहा है तो इसलिए उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और उसने कहा कि ये कत्ल के लायक है। There is nothing more precious than life. मेरे जीवन जिंदगी में आपकी जान से ज्यादा कोई चीज ज्यादा कीमती नहीं होती। Nevertheless, Jesus declared, I am ego eimi, that is, I am God, in unto of those who were already determined to kill him. मेरे अजीजों इसके बावजूद कि यीशु उन लोगों के सामने ऐलान कर रहा है, उन लोगों को बता रहा है कि मैं ही ego eimi हूँ, यानी मैं ही खुदा हूँ, उन लोगों के सामने जो उसको पहले से ही मारने का इरादा कर चुके हैं। Because the truth that Jesus Christ is God is an undeniable truth that cannot be exchanged even for this. और मेरे अजीजों ये ऐसी हकीकत है कि यीशु मसीह खुदा है और ये नाकाबिले तब्दील सच्चाई है जिसे मौत के वजह से भी तब्दील नहीं किया जा सकता। आमीन। Even in the face of this, you must maintain your confession of faith and believe that Jesus Christ is God. और यहाँ तक कि मौत आपके सामने भी हो, आप अपने ईमान में कायम रहकर इस बात का यकीन और एतराफ बरकरार रखना चाहिए कि यीशु ही खुदा है। आमीन। आमीन। Because the belief that Jesus Christ is God is the only belief that can make you child of God and enter heaven. और मेरे अजीजों जब आप ये यकीन और ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा है तो आपका ये इकरार आपको खुदा का फर्जंद बना सकता है और आपको खुदा के आसमान में दाखिल कर सकता है। Jesus knows full well that
terrible suffering awaited him because he claimed I am God. However, Jesus did not solidify his claim, I am God, and walked the painful hassle of his cross. मेरे अजीज और खुदावर यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और बड़े मौत और बड़ी ऐसी खौफनाक मुसीबतें उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने दावा किया था कि मैं खुदा हूँ, कहा यीशु अपने दावे को मजबूत नहीं करता, और वो कहता मैं खुदा हूँ और वह शरीर के दर्दनाक रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है. It is no coincidence that Thomas confesses to the resurrected Jesus, my God. On the last night, Jesus said to his disciple, I am ego a. Jesus did not recognize the decay that I am ego in me as he went to the cross. Okay. As you recharge the word, Jesus is ego in word clearly written in the heart of the disciple and Thomas confesses to resurrected Jesus as my God. और मेरे अभी तो नतीजे पर शहीदों के जुड़ों में यीशु ईगो में भी है कि अल्फाज वादे तौर पर लिखे गए थे और तुम्हारे दोबारा जिंदा होने वाले यीशु को मेरा खुदा यानी अपना खुदा तस्लीम किया. At the moment Thomas saw Jesus' hand with the nail marks, Thomas would have clearly remembered not only God's name Jehovah, but also God's name Ego Eimi. और मेरे अजीजों कलाम एक तक की रोशनी हमें पता चलता है कि जिस समय है तुम्हारा ये यीशु के हाथ और तीनों के शिकार को हमारे खान तो तुम्हारा नाम सिर्फ Because on the last night, Jesus Christ repeatedly said, I am ego eimi, and the name of God, Jehovah, and the name of God, ego eimi, are a pair. और मेरे अजीजों कलाम में से जो आज हम सीख रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा कि लिखा है कि जब विशिष्टा रात खुदावंद यीशु मसीह बार बार एगो एमी हूँ मैं कह रहा था कि मैं खुदा हूँ मैं यहोवा हूँ तो इसका मतलब कि वो अपनी जात का बयान कर रहा था. When the name of God Jehovah is mentioned, you should naturally think of the name of God Ego Eimi. और जब कभी आपके सामने जो हवा का नाम लिया जाता है तो आपको फिक्री तौर पर एगोएमी के बारे में सोचना चाहिए. Because the name Jehovah and the name Egoemi are the name of God that God appealed to Moses at the same time, in the same place. क्योंकि यहोवा नाम जो है या एगोएमी नाम जो है ये वो नाम है जो खुदावंद खुदा ने मुकद्दस मूसा पर एक ही जगह पर नाजिल किए. आमीन. Therefore, when Thomas saw the name of Jehovah in Jesus' hand with the nail marks, he would have a thought of Jesus' words, I am ego eimi, at the same time. लहाजा छपूला ने यीशु के हाथ में किनों के निशानात को देखा और उसने देखा कि उसके साथ यहोवा का नाम देखा है तो उसने उस वक्त यीशु के अल्फाज ये कहे उसने सोचा होगा कि ये वाकई एगोएमी है.
성우 토마스 헤드노 토이스 버트 컨테스 지저스 에즈 마이가 मेरे अभी दोस्तों का गायब तुम उसी के कीड़ों से खड़े हुए हाथ को देखकर इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि उसको खुदा मान लेता क्योंकि उसने कीड़ों के निशान में यहोवा नाम लिखा हुआ देखा था तो जो वो रियलाइज जीसस क्राइस्ट एजिका लाइक थॉमस से ही स्टेन है Have you ever heard the words, the flood of God? Since Jesus Christ is the great God, The blood of Jesus is the blood of God. Of the Bible, Acts chapter 10, verse 28, read it. आइए हम बड़े जल्दी से जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, अब आज 20वां बाब उसकी 28वीं आयत पढ़ेंगे। तो यूं लिखा है, अब आज 20वां बाब उसकी 28वीं आयत बस अपनी और सारे गंगा की खबरदारी करो जिस पर कुदस ने तुम्हें निगेबान ठहराया ताकि खुदा की कृषिया की गंगाबाजी करो जिसे उसने उस खास अपने खून से मोल दिया आमीन आमीन Acts chapter 20, verse 28 states, I purchased the church which is its own blood. और मेरे अजीजों हमार 20वें बाब की 28वीं आयत ये बयान करती है कि खुदा ने कलीसिया को अपने खून से खरीदा है God says, his own blood, that is the blood of God. और खुदा खुद कहता है कि उसका अपना खून यही खुदा का खून Because Jesus Christ is God, the blood of Jesus It's the blood of God. क्योंकि यीशु मसीह खुदा है और यीशु का खून खुदा का खून है। Our sins are forgiven and we are saved not by the blood of animal or keeper, but by the blood of the eternal God. क्योंकि हमारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और हम जानवरों या लोगों के खून से नहीं बल्कि अपनी खुदा के खून के वसीले से निजात पाते हैं Because the blood of Jesus said, oh, our sins is the blood of God. The blood of Jesus count is completed and internal salvation to those who believe in Jesus Christ as God. और मेरे अजीजों चूंकि हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया खून यीशु मसीह का खून है खुदा का खून है यीशु का खून उन लोगों को मुकम्मल और अपनी निजात की जमानत देता है जो उसको खुदा के तौर पर मानते हैं आमीन यीशु क्रूस इज द लॉ ऑफ गॉड बाइबल स्पीक और ये वाकई ही खुदा की एक बड़ा मोहब्बत है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है इफ यू व्हेन लिव इन जीसस एज गॉड एंड बिकम चाइल्ड ऑफ गॉड एंड गॉड गो टू हेवन से आमीन और मेरे अजीजों अगर आप यीशु मसीह को खुदा के तौर पर मानते हैं और खुदा की प्रजा बनना चाहते हैं और आसमान पर जाना चाहते हैं तो सब गॉड पे कहिएगा आमीन Amen. I confess my faith first. You too will follow me and confess to say me. और मेरे अजीजों मेरे ईमान के इकरार के मुताबिक आप भी अपने ईमान का इकरार कीजिएगा. Through his confession of faith, you become child of God. जब मैं ये आपके सामने लाइन बोलूंगा तो आपने ये इकरार करना है. आप मेरे पीछे बोलिएगा. यीशु मेरा खुदा है ओके
according to me, confession, okay, so your two will confession your case, okay? Mm-hmm. Okay. Jesus is my God. Yes, you are my God. The blood of Jesus is the internal blood of God. I thank God for setting his blood for five things. I became child of God by the grace of God's blood. Thank you, God, for your love. I will live my life speaking the love of God. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Those who prayed have become child of God according to promise of the Bible. Amen. Because you have become child of God, you have been set free from the devil. Before you have become child of God, you are free from sin and curse. Because you have become child of God, you can pray and receive answer. It's your faith. Okay. Amen. Hallelujah. Let's pray together. 기도하겠습니다. I am some minister. 하나님 하나님 아버지, 저들한테 함께하시고 예수를 나의 주 나의 하나님과 고백한 심령, 가정 산 속에 성령이 하나님 나라 가지고 충만히 마여 주셔서 나게 부르되고 부르되고 해방시켜 주고 저들아 물러가게 하시고 하나님 나라가 임하게 도와 주옵소서. 성령 충만을 허락하여 주옵소서. 저들이 예수 그리스도 나의 주 나의 하나님으로 이 고백한 이 진리를 온 땅에 증거할 수 있는 시대적 일꾼으로 기름부어 사용하여 주옵소서. 저들 교회 가운데 하나님나라가 임하게 하옵소서. 성령 충만하게 하옵소서. 그 예수 이름 받도록 전나이다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 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 할렐루야. 감사드려요. 야, 수고했어요. 감사드려요. 야. 할렐루야. 하론. 하론. 수고했어요. 바이바이. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जो यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए खुदा में खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। सुना कुछ बात करूंगा अपने बुजुर्ग से हमारे दरमियान में है अजाज मसीह साहब वो सामने आएंगे और खुदा के पाक नाम के लिए सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हमारे शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए
ہمارا عید قبول کا نام ہے۔